नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधुओं का जीवन भी पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होता है और उनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही पूजा पाठ के साथ होता है। जब एक महिला नागा साधु बन जाती है तो सारे ही साधु और साध्वियाँ उसे माता कहने लगती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर एक तिलक लगाना होता है। उन्हें एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति होती है जो गेरवी रंग का होता है। नागा साधु बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल की अवधि तक ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। जब महिला ऐसा कर पाने में सफल हो जाती है तब उसे उसके गुरु नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला की पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल की जाती है ताकि ये पता चल सके कि वो पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित है या फिर नहीं, और कहीं उसके नागा साधु बनकर कठिन साधना को निभा पाएगी या फिर नहीं। एक नागा साधु बनने के दौरान एक महिला को ये साबित करना होता है कि वो पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है और अब उसका संसारिक खुशियों से कोई भी लगाव नहीं है। नागा साधु बनने से पहले महिला साधु को अपना पिंडदान करना होता है और पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ना होता है। महिलाओं को सन्यासी बनने की प्रक्रिया अखाड़ों के सर्वोच्च पदाधिकारी आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा पूरी कराई जाती है। महिला नागा साधु बनने के दौरान महिलाओं को पहले अपने बाल छिलवाने होते हैं, इसके बाद नदी में पवित्र स्नान करती हैं। ये उनके साधारण महिला से नागा साधु बनने की प्रक्रिया होती है। महिला और पुरुष नागा साधुओं के बीच एक ही बड़ा अंतर माना जाता है। पुरुष नागा साधु पूरी तरह से नग्न रहते हैं जबकि महिला नागा साधु अपने शरीर को गेरवे रंग के एक वस्त्र से ढक कर रखती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।